लड़के ने पूछा, जब मैं एक कॉलेज हिंदू कॉलेज में थी, शायद हमारा प्रोग्राम हो रहा था, 3 दिन का था, तो ये लड़के ने पूछा, एक सेशन था ऐसे ही, कि ये बताइए जब वो सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो उसका हमारा प्रेम कैसे रहे। तो मैंने कहा तय कर लो कि तुम प्रेम कर रहे हो या सेक्स के लिए एक लड़की चाहिए तुम्हें, वो तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, पैसे दे के चले मिल जाएगी, लेकिन प्रेम करने वाली लड़की तुम्हें पैसे दे के नहीं मिलेगी। अगर वो भी पैसे दे के मिलती है तो वो भी धंधा कर रही है प्रेम का, है ना। जो तुमको सच्चा प्रेम करेगी वो तुम्हें पैसे दे के नहीं मिलेगी या सेक्स के आधार पे नहीं मिलेगी, तुम सेक्स की बात भूल जाओ। इसलिए कहा मैंने, और मैंने तो और कड़ा कहा था जो तुमको याद नहीं है, मैं ही बताती हूँ। मैंने कहा सेक्स प्रेम की मृत्यु है, ये कहा मैंने कि एक, जब मैं बता रही हूँ तुमको अपनी बात, अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरी शादी तो अरेंज मैरिज हुई है, उसी लड़के से थोड़ी हुई है जो चिट्ठी लिख रहा था मुझे, है ना, कविता में लिखता था, जिस कविता को पढ़ के मैंने पढ़ना शुरू किया साहित्य और मैं लेखिका बनी, वो कितना बड़ा वरदान दे गया मुझे, है, पति तो नहीं दे सकते, पति ने बच्चे दिए सिर्फ, है ना, तो अब मैं उसे कैसे भूल जाऊँ भाई, है ना। जो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ वो उस मेरे ख्याल में 17-18 साल के लड़के की देन है, है ना। और यहाँ पे जो बड़ी उससे मैरिज की गई, बड़े शोर शराबे के साथ, और डॉक्टर ढूंढा है और फलाना ढूंढा, उसने मुझे क्या दिया, एक परिवार दिया, है ना, मान लिया कि स्थिरता दी जीवन की, ठीक है। तो सेक्स का मतलब होता है शारीरिक संबंध, शरीर से प्रेम थोड़ी होता है, प्रेम तो मन से होता है, ये बताओ, प्रेम आँखों से होता है और प्रेम मन से होता है, कभी भी ये नहीं होता, पहले शरीर से कैसे होगा, पहले तो मन से ही होता है ना, अब उसको हम तब्दील कर दें शरीर में तो सारी दिक्कतें वहीं आती हैं। ये बताओ कि लैला मजनू ने कितना सेक्स था उनमें, शीरी फरियाद में कितना सेक्स था, जिनके अमर हो गए, जो क्यों अमर हो गए, उनका तो प्रेम ही था जो मन के स्तर पर था, दिल के स्तर पर था, जितने भी प्रेमी प्रेमिकाओं की गाथाएं अमर हुई हैं उनमें कहीं सेक्स नहीं था, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ जहाँ आपने सेक्स का चक्कर चलाया वहाँ, और फिर एक और बात, प्रेम हमें छिपाना नहीं पड़ता जब तक उसमें सेक्स शामिल ना हो, किसी को दिक्कत नहीं होगी, खूब प्रेम करे जाओ, और उसे छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। सेक्स आदमी सड़क पे नहीं कर सकता, प्रेम से बात तो सड़क पे ही कर लेगा, है ना, तो सेक्स तो घर में भी छुप के ही करना पड़ता है, है ना। तो ये फर्क है दोनों में, और हम सेक्स के लिए हमारा विवाह होता है, उसमें हमें स्वीकृति मिलती है सेक्स की, इसीलिए लड़कियां से उसके कारण तो शादी कर लेती हैं कि प्रेमी से ही करनी है, कि सेक्स भी उसी के साथ और प्रेम भी, प्रेम तो नहीं, मुश्किल है प्रेम रहना, वो वाला प्रेम रहना मुश्किल है जो अट्रैक्शन होता है, जो उसकी एक ललक होती है, जो उसकी एक बेचैनी होती है, जो विरह होता है उसका, है ना, तो वो तो नहीं होता ना फिर, है ना, फिर तो वही है कि रोज की दाल रोटी है।